अस्सलामुअलैकुम, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मसवर अली जंजारी। आप लोगों को इल्म है कि जवाहरात जो कि अल्लाह ताला की नेमतों से एक नेमत है, और इसमें कुरान पाक में भी दो बड़े मखसूस जवाहरात का जिक्र है सूरह रहमान में, जिसमें याकूत और मरजान है। इसके साथ साथ दीगर बेशुमार दूसरे जवाहरात का भी ऑन एंड ऑफ रवायात में हमें ये चीज़ मिलती है कि अम्बिया ने इस्तेमाल किया, सहाबा ने, नबियों ने इस्तेमाल किया, आइमा ने इस्तेमाल किया, और इसकी रूहानी अपनी अपनी अफादियत है। और इसमें बहुत सारे इस तरह के अहबाब होते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स नहीं अफोर्ड कर सकते, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग कोई ऐसा प्रोफेशन है या कोई आप लोगों को ऐसी मजबूरी होती है कि आप लोग रिंग्स नहीं पहन सकते, अंगूठियाँ नहीं पहन सकते। तो इसके लिए इदारा आईना किस्मत की जानब से, जंजानी जेमस्टोन्स की प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारे पास कुछ इस तरह की क्रिस्टल्स की ब्रेसलेट्स मौजूद हैं जो कि आप लोग अपने अपने ज़ोडिक साइंस, अपने अपने होरोस्कोप्स और अपनी अपनी पर्सनालिटी और अपने नाम के मुताबिक उनको पहन सकते हैं। जैसे अमूमी तौर के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने भी कुछ चीज़ें पहनी होती हैं, जिसमें ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट है मोए नजफ़ की, और मोए नजफ़ की रूहानी तौर के ऊपर अफादियत, रूहानी तौर के ऊपर खूबसूरती आप लोगों को इल्म है कि इसमें कुछ रवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक का अक्स है, और कुछ रवायत के मुताबिक मौला अली के मोए मुबारक का अक्स है। तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं अपने लिए, तो आप लोग हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर अपॉइंटमेंट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स आप लोगों के लिए पहनना बेहतर हैं और आप लोगों को उसके लिए स्पिरिचुअली तौर के ऊपर क्या बेनिफिट्स या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तब भी आप लोग अपनी डिटेल्स इन्हीं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मसवर अली जंजारी। हमारा आज का दिन 26 अगस्त का दिन, और 26 अगस्त के दिन की इब्तदा करने से पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बाहर आखिर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप लोग अपने रोज़ के दिन को खूबसूरत बनाने के अलावा लाइव सेशन के फौरी तौर पर नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। इंशाल्लाह 1 से लेकर 7 सितंबर तक मैं मौजूद हूँगा कराची में। आप सभी बहन भाई जो कराची हैं उसके इर्द गिर्द किसी भी शहर में हो, उससे पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग इन्हीं स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स पे अपॉइंटमेंट लेके मुझे कराची में मिल सकते हैं। हमारे आज के दिन को प्लानिटरी एस्पेक्ट्स में देखें तो पहला ज़ोडिक साइन एरीज बुर्जे हल, एरीज आप लोगों की ज़िंदगी में। आज के दिन आप लोगों के लिए दूसरों के साथ लिंक्स डेवलप करना, रबतों में आ जाना आप लोगों के लिए नस्बतन थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन आज के दिन आप लोगों को अपने कुछ ख़दशात जो आपके जहन में चल रहे हैं उसका इजहार कर लेना बहुत मायने रखेगा। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन टॉरस बुर्जे सौर। टॉरस आप लोगों के लिए आज के दिन को देखा जाए तो आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी फाइनेंसिस के अतबार से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आती है। माली तौर के ऊपर डिस्टर्बेंसेस के अलावा आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर कर लेना आप लोगों के जहनी तौर के ऊपर खुदातमादी को थोड़ा सा बहाल कर लेगा, लेकिन इसके लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस अफराद को लाजम शामिल रखें। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जमनाए पुरजे जौजम। जमनाए आप लोगों के लिए आज के दिन को देखें तो आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी में हासिल किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी से कम होंगे, आप लोग खुद इतमादी की तरफ आएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, बहाली की तरफ आएंगे, और इसके साथ आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा ग्रेशर को कंट्रोल करना बहुत मुनासिब है, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से आप लोग थोड़ा सा अग्रेसिव भी नज़र आते हैं, और चीज़ें अगर कुछ डिले हो रही हैं तो उनको छोड़ देना मुनासिब होगा। अगला ज़ोडिक साइन कैंसर बुर्ज सरदार। कैंसर ने आप लोगों के लिए आज के दिन को देखा जाए तो आप लोग थोड़े से ख़दशात अपने जहन में लिए हुए नज़र आते हैं, और इन्हीं ख़दशात को अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर लेना आप लोगों के लिए ना सिर्फ आज का दिन बल्कि अगला ये पूरा जो हफ़्ता शुरू हो रहा है आप लोगों को कामों के अतबार से पॉजिटिव रखेगा। लेकिन आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी में जो नए आइडियाज़ हैं, नई सोच है, नई तदबीर है, इसको इम्प्लीमेंट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो अगला ज़ोडिक साइन है लियो बुर्जे सिर। लियो आप लोगों के लिए आज के इनको देखा जाए तो आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना बहुत मायने रखेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो आप लोगों के लिए चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होने के चांसेस नज़र आते हैं। इसके साथ आप लोगों का आज का दिन दूसरों के साथ मिलकर काम करने के अतबार से नस्बतन खुशगवारी और पॉजिटिविटी के अतबार से खूबसूरत है। अगला ज़ोडिक साइन वर्गो बुर्जे सिंह। वेगन्स आप लोगों के लिए आज के दिन जो है मोहब्बत के अतबार से, रिलेशनिंग के लिहाज से दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लेना, पॉजिटिव कर लेना, मिलनसाराना तबीयत, और इसके साथ साथ आज के दिन आप लोग कहीं ना कहीं पर गलतफहमियों से बाहर निकलने के लिए कोशिश में लगे रहेंगे। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन मेरे पास लिब्रा बुर्ज मिज़ान।
लिबरल्स आप लोगों के लिए आज के दिन जो देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड माइंडेड नज़र आते हैं। आप लोग चीज़ों के बारे में, डिसीजंस के बारे में, लोगों के बारे में, हालात के बारे में इतना ज़्यादा एश्योर नहीं है। इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए माजी को ज़रूर सामने रखें और इसके साथ चंद एक मुखलिस लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। नेक्स्ट डॉलिक सेंस स्कॉर्पियंस प्रोजेक्ट ग्रुप, आप लोगों के आज उनको देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा जज्बाती फैसलों की तरफ हैं, जल्दबाजी की तरफ है। इनको रोक लेना बहुत मुनासिब है। ठहराव लेके आना तबीयत में आप लोगों के लिए चीज़ों को नस्बता खूबसूरत बना लेगा। अगला डॉलिक साइंस सजिटेरियस प्रोजेक्ट हाउस, आप लोगों के लिए आज के इनको देखा जाए तो आप लोग काफ़ी हद तक अपने करियर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के अलावा फिजिकली तौर पर अपनी हेल्थ में बेहतरी के लिए बहुत एक्टिव होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का मोहब्बत के अतबार से कुछ खदशात या कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन भी बहुत अच्छे अंदाज में आपको मिल जाएगा। अगला जो एक्सेंड कैप्रिकॉन प्रोजेक्ट होगी, कैप्रिकॉन आप लोगों का जो आज का दिन है, आप लोग इमोशनल तौर के ऊपर, जज्बाती तौर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हावी दूसरों के ऊपर होते हुए नज़र आते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश करें। नो डाउट आप लोगों को खानगी तौर के ऊपर खुशगवारी मिलेगी, लेकिन इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि दूसरों को आप लोग किसी भी तौर के ऊपर अपने इमोशंस के अंडर ले आए। नेक्स्ट एक्वेरियस बढ़ चुका लोग, आप लोग के आज के दिन को देखें तो आज के दिन आप लोगों का नस्बतन खान की तौर के ऊपर खुशगवार दिन होगा। सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। रिस्पेक्ट इज्जत में बढ़ावा नजर आता है। दूसरों के साथ गलतफहमियों का सलूशन मिल पाएगा। लास्ट ऑडिक सन पाइसेस बढ़ चुका है, आप लोग के लिए आज के दिन को देखें तो आज के दिन आप लोगों की जिंदगी में प्लान रिस्पेक्ट के मुताबिक दूसरों के साथ अटैचमेंट्स किसी न किसी मकसद की बुनियाद पर होंगे। आप लोग काफ़ी हद तक अपनी औलाद, मोहब्बत, मैरिटल लाइफ और अपने खानगी माहौल की वजह से पुरमसरत नज़र आते हैं। ज़हनी तौर के बढ़ सकूँ आपकी ज़िंदगी में रहेगा। आज के इतवार से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त में अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह बशर्ते कि आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।